Hello my YouTube family, good morning and welcome back to my new vlog. I hope you and your family are doing good. So अभी बज रहे हैं सुबह के 7:23 एंड मैं चाचा बोड़ा और दूल्हा मतलब भाई हम लोग चारों सब लोग मिलके जा रहे हैं गधेरा के साइड. वहाँ पे ब्रश करेंगे, फ्रेश होंगे एंड फिर घर पे आएंगे. वैसे तो मैं थोड़ा लेट उठा, बाकी के तो ऑलमोस्ट उठकर रेडी भी होने वाले. एक्चुअली थोड़ा लेट सोया था तो नींद ज़्यादा पूरी हुई नहीं, बट टाइम हो गया तो अभी उठना पड़ा. ओह शिट, ये देखिए ये कल की रोड है जो एकदम खराब और टूटी फूटी थी. कैसा डेंजर दिख रहा है यहाँ से. तो चाचा बोटा मैं हम तीनों रेडी होके आ चुके हैं नाश्ता खाने. बुआ लोग को अभी टाइम लग गया क्योंकि बुआ अभी तक रेडी हो रही है. नाश्ता रेडी था तो हम तीनों आ गए. बुआ लोग अभी पीछे से आएंगे. ऑल्सो ढोल बजना चालू हो गया तो अभी थोड़ी देर में बारात भी निकलेगी. वैसे बारात को तो 8 बजे निकलना था टाइम पे, बट कुछ ज़्यादा ही लेट हो जाएगा. देखते कितने बजे तक निकलते. ऑल्सो हम तीनों सुबह के पूजा के टाइम पे इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम लोग फटाफट नाश्ता खा रहे हैं. तो नाश्ते में आज आलू का साग और रोटी है. तो बारात निकल चुकी है. आज की बारात बरसेर गांव जाएगी जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है और ऑलमोस्ट हम लोग निकलने वाले हैं. व्लॉगिंग के चक्कर में मैं बारात के साथ ऐसे ही निकल गया था एंड बैग भूल गया था, तो फाइनली अभी मैं रिटर्न भाग के आया सबसे लास्ट हूँ. फटाफट जाना पड़ेगा क्योंकि बारात ऑलमोस्ट नीचे पहुँच चुकी है. तो ये रही दूल्हा की गाड़ी, इसमें दूल्हा के साथ चाचा जाएंगे और हम लोग सब बुआ लोग गाड़ी में जाएंगे. वैसे छोटी बुआ नहीं आ रही, लक्षु बुआ, तो बुआ हमें सिर्फ यहाँ तक छोड़ने आई है. हाँ, तो बुआ यहाँ तक ही आ रही है. बुआ अभी यहाँ से घर पे जाएगी. अब हम लोग रात को ही मिलेंगे डायरेक्ट बुआ को. हम लोग मिस करेंगे. तो बाकी की बुआ सब आ रहे, सिर्फ लक्षु बुआ नहीं आ रही क्योंकि बुआ को उल्टी होती है. तो फाइनली हमें गाड़ी की सीट मिल चुकी है. यहाँ वहाँ बहुत भागे हम लोग, तो सारे के सारे बुआ मैं बोड़ा हम सब लोग एक ही गाड़ी में. वाह क्या सही व्यू दिख रहा है यहाँ से. तो ये तीन पानी मिलता है यहाँ पे, ये केदारनाथ से आता है, ये बद्रीनाथ से आता है एंड आगे जाके हरिद्वार में मिलता है. काफी दूर आ चुके हैं हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी है, तो अभी रास्ते में हम लोग रुके हैं यहाँ पे गधेरा के पास मस्त ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए रुके. सो अभी यहाँ से और 15-20 किलोमीटर दूर है. आज का जो डिस्टेंस है वो पूरा टोटल 72-75 किलोमीटर का है वन साइड. सो आज हम लोग पूरा 130-140 किलोमीटर कवर करने वाले है. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बरसीर. थोड़े बहुत आ चुके हैं, थोड़े बहुत बचे, तो सबके लिए वेट करते फिर हम लोग यहाँ से डायरेक्ट दुल्हन के घर के लिए निकल जाएंगे. तो हमारे घोड़े भी रेडी है. तो सब जन आ चुके हैं, हम लोग नीचे की ओर निकल गए. आई एम शॉक्ड एंड सरप्राइज कि मैं घोड़े में बैठ के जा रहा हूँ. मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं इसमें बैठ के जाऊंगा. एक्चुअली चाचा बैठने वाले थे बट चाचा पता नहीं कहाँ पर है, तो इसलिए मैं बैठा हूँ. ओ शिट, यहाँ से क्या खतरनाक नीचे, बहुत डर लग रहा है. ओ भाई साहब, यहाँ पे बीच बीच में झाड़ भी आ रहे, तो नीचे झुकना पड़ रहा है. डर लग रहा है कहीं मुझे लग ना जाए. खड़ा
हमारी राइड यहाँ तक ही थी, यहाँ पे मंडप है, तो यहाँ से दूल्हा अकेला जाएगा और हम लोग यहाँ से पूरा चल के जाएंगे। तो जय माला हो चुका है, अभी हम सब लोग खाना खाने जा रहे हैं, काफी भूख लगी है। सात फेरे भी हो चुके हैं एंड दुल्हन की डोली भी तैयार हो चुकी है, बस अब थोड़े देर में दुल्हन को लेके हम चले जाएंगे, बट फिलहाल अभी और जो थोड़ा सा बाकी है काम वो चालू है यहाँ पर। डोली भी रेडी हो चुकी है, बस अब दुल्हन का वेट कर रहे हैं एंड खच्चर भी आ चुके हैं, आई मीन घोड़ा खच्चर जो भी बोलो। इस बार अब चाचा बैठेंगे घोड़े में, इफ जगह होगा तो मैं भी जाऊंगा, नहीं तो मैं पूरा चल के जाने वाला हूँ। तो यह हमारे गढ़वाल का जूने जमाने का डोली है जो कि हर शादी में करते हैं, बट आजकल के जमाने में नहीं करते, तो ये गांव में करते हैं। काफी ऊपर तक चल के आए और जाना है ऊपर, हम नॉर्मल ऐसे चल के थक रहे, इन्होंने तो डोली पकड़ा है, डोली का वजन प्लस दुल्हन का वजन डबल से भी ज्यादा है आई थिंक सो। हम लोग तो अभी तक हाफ वे आए और थोड़ा सा बचा है, तो अभी आने का फुल मजा ले रहे हैं। नीचे आते वक्त तो ज्यादा थकान नहीं थी, अब चाचा इजिली मस्त घोड़े में जा रहे। ये जो चढ़ाई है बहुत ज्यादा हाई में है एंड खतरनाक चढ़ाई है ये वाली,
यहाँ से काफी स्लो हो गए ये लोग क्योंकि खतरनाक चढ़ाई है, बहुत थकान लग रही है। बेचारे ये भाई यहाँ पे थक गए, थोड़ा सा बचा है बट उन्हें चलना ही नहीं है क्योंकि एजेड भी हो गए एंड उन्हें भी बहुत थकान लग रही है। बट हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले, बस यही है। अभी बज रहे हैं 9:48 एंड जस्ट अभी हम लोग पहुँच रहे घर पे। बट दूल्हा और बाकी के लोग नीचे ही है क्योंकि जो दुल्हन के साथ वाले आने वाले थे वो दूसरे रोड में चले गए। बहुत लंबा सफ़र था 70 किलोमीटर्स का एंड उसमें बहुत सारे बीच बीच में रास्ते थे टेढ़े मेढ़े, तो वो उन्हें समझा नहीं और वो दूसरे रोड में चले गए। तो अभी सभी के सभी नीचे वेट कर रहे हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल अपने रूम में आया हूँ कपड़ा चेंज करने, तो फटाफट चेंज करके फिर वहाँ पे जाते। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, चाचा जीजा सबको चाय भी दे दिया और मेरा भी चाय पी के हो चुका है। तो अभी बारात वाले आ चुके हैं, लड़की लोग आ चुके हैं, तो चलिए चलते बुआ के घर की ओर। ये भी बुआ का ही घर है, ये नया वाला है, हम लोग जूने वाले में जा रहे हैं। फाइनली दुल्हन और दूल्हा दोनों आ चुके अभी बज रहे रात के 1:03। जस्ट थोड़ी देर पहले खाना खाया एंड स्टिल देखे अभी तक डीजे बज रहा है, तो पता नहीं कितने बजे तक बजेगा। एंड फाइनली शादी हो चुकी है, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा, पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट करके सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ओ शिट, ये पानी कहाँ से आ रहा है? बट मतलब अंदर ही अंदर पहाड़ से। वाओ।